क्या हाल है आयशा जी? बिल्कुल कमर ढा ठीक रही हैं आज ठाक तो आप? बस आपकी मोहब्बत में आई। नहीं, माशाल्लाह, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सो और मच। आज रोज़ा और सेहत में डॉक्टर आयशा हमारी मेहमान है। अगर आपके कोई सवाल हैं ज़रूर बताएं। सबसे पहला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया, क्योंकि माशाल्लाह दिल खोल के पार्टी की है जी कराची वालों ने। बाहर के पकौड़े, समोसे, बड़े बड़े बुफेज, इफ्तार तो छोड़िए, सहरी पे भी हमने बाहर ताबड़तोड़ हमले किए हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में। इसकी वजह से बड़ी भारी मिकदार में लोग स्टमक इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुके हैं। उसके लिए बताएं क्या किया जाए? अच्छा, उसके लिए सब्र करना है। जैसे सब्र का, वैसे भी रोज़ा हमें सब्र ही सिखा रहा होता है। तो अब अगर आपको फूड पॉइजनिंग या फूड इन्फेक्शन के फूड की वजह से इन्फेक्शन हो ही गई है, तो आपने अपने मैदे को रेस्ट देना है, ठीक है? और उसमें यह है कि आप बिल्कुल लिक्विड डाइट पे चले जाएं। और सबसे ज़्यादा गलती हमारे यहाँ होती है कि भाई वो फ्रिज में जो है कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है वो फ़ौरन ले आओ और बच्चे को वो पिला दो। तो खुदा के लिए ये ना किया करें। आपका स्टमक पहले ही अपसेट हुआ हुआ है और ऊपर से आप उसको कोल्ड ड्रिंक, कैफिनेटेड ड्रिंक्स पिला रहे हैं, ये वाला काम आपने नहीं करना। स्टमक को आपने कंप्लीट रेस्ट देना है। हाँ, अगर आपके पास मैश बनानाज हैं, आप कोई पतली खिचड़ी या कोई पतला सीरियल दे सकते हैं, ठीक है? रोज़ा, अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब है तो ऑब्वियसली आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो यूजुअली ये होता है कि हमने सहरी पे एक टैबलेट दे दी और एक अफ्तार पे, तो वो सेटल हो जाता है। अगर बहुत ही कोई सिवेयर केसेज हों तो फिर एंटीबायोटिक्स पर डालना पड़ता है। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। कराची वाले कुछ ढीठ भी हैं, खा खा के ना, मतलब उनको इतना लगता भी नहीं है। तो उसमें ये कि फिर आपने लिक्विड डाइट से अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सहरी में आपने अच्छे से पानी ले लिया, नमकियात की कमी को पूरा करना है। अच्छा जी, एक सवाल आया, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स या फिजी ड्रिंक्स को मना किया है, लेकिन अगर स्टमक इन्फेक्शन हो और तबीयत बहुत ख़राब है, नौजिया भी हो रहा है, डायरिया भी हो रहा है, दूध पिया जा सकता है? मुझे लगता है कि दूध, यू नो, मैं तो सोच भी नहीं सकती दूध पीने के बारे में, लेकिन वुड यू रिकमेंडेड? नहीं, दूध को भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इस वक्त आपका स्टमक इस पोजिशन में नहीं होता कि वो कोई भी चीज़ डाइजेस्ट कर सके। तो बिल्कुल ही लाइट चीज़ें देनी पड़ती हैं, दूध से बनी हुई अशिया भी नहीं देनी पड़ती। हाँ, योगर्ट दिया जा सकता है, क्योंकि योगर्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं और वो अच्छी डाइजेशन करते हैं। तो योगर्ट आप दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, मैश बनानास दे सकते हैं, पानी और ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, वो पैकेट्स आपने घर में ला के रखे हुए हैं तो नहीं, वरना ले आइए। और वो नमकियात की कमी, क्योंकि वरना इंसान बिल्कुल नुटर जाता है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, तो अगर आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है तो ऑब्वियसली आप रोज़ा नहीं रखेंगे। अदरवाइज़ ये चीज़ें आप सहरी में ले लेंगे। और अफ्तार में आपने फ्राइड आइटम्स, तलन, पकोड़े, समोसे, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल फल और खिचड़ी से ही रोज़ा खोलना। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको यकायक गॉल ब्लैडर रिमूव करने की सर्जरी करानी पड़ती है, और एक आम तासुर ये है कि जिस फरावानी से हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर रिमूव होता है, तो कुछ एक राय ये बन गई है कि शायद ये गैर ज़रूरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में। एग्जैक्टली गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है आयशा जी, और ये यकायक अपेंडिक्स की तरह का पेन क्यों होता है जिसमें लोगों को गॉल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ता है? इसमें यह होता है कि कई दफ़ा तो स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं, उसकी वजह से रिमूव कराना पड़ता है। और कई दफ़ा जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस में देखा गया है, वो ये देखा गया है कि लोग पानी का इंटेक बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। पानी का इंटेक वो बिल्कुल कम करके चाय का और कैफीन का इंटेक बढ़ा देते हैं, और दूसरा वो क्रैश डाइट पे चले जाते हैं। जब वो क्रैश डाइट पे चले जाते हैं तो उनको ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है बहुत अचानक, मुझे 10 किलो अपना वज़न कम करना है एक महीने के अंदर अंदर। उसमें वो प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है? प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ये गलती उन्होंने कर दी कि पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखा और ग्रीन टी और कॉफ़ी का इंटेक रखा। तो गॉल ब्लैडर इस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर पाता, जितनी भी बाइल सॉल्ट्स वगैरह हैं वो उसको सारा सेटल नहीं कर पाता, उसका लोड बढ़ जाता है और फिर इस वजह से आपको बहुत पेन होता है और आपको रिमूव करना। आयशा जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है, आई मस्ट आस्क यू दिस, कि आजकल मुख्तलिफ चीज़ों को सुपर फूड के तौर पर दिया जा रहा है, जिसमें एलोवेरा शामिल है, मुख्तलिफ फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं। एक और चीज़ जो मैंने देखा है कि क्योंकि वो पाकिस्तान में बहुत फरवानी से हमारे नॉर्दर्न एरियाज में मिलती है, उसकी भी बड़ी पैकेजिंग और आजकल उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ सलाजीत। सलाजीत को एज अ सुपर फूड मर्द और ख़वातीन हड्डियों के लिए, फर्टिलिटी के लिए, मुख्तलिफ एक यू नो एनर्जी बूस्टर के तौर पर ले रहे हैं, एंड इट इज़ सो यू नो रिच, यानी उसके अंदर हर तरह के मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। साथ साथ कहा भी जाता है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन
सलाजीत के इस्तेमाल के बारे में आप क्या कहेंगी? हिकमत में और तिब में तो बहुत होता है, बट एज मॉडर्न साइंस प्रैक्टिशनर आप रेकमेंड करेंगी? देखिए, मॉडर्न साइंस के अंदर तो इसका नाम नहीं है, ये एक नई चीज़ है जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बात ये कि जितनी भी हर्बल चीज़ें होती हैं या सीड्स हैं या हर्ब्स हैं, या हमने हमेशा देखा है कि अब ज़ीरा या दालचीनी, अब कितनी लोग इस तरीके से आ गए, इनको समझ में आ गए कि ये चीज़ें कितनी बेनिफिशियल हैं, तो इनका कोई नुकसान नहीं है। मेडिसिन जो होती हैं इन द लॉन्ग रन इनका कोई ना कोई नुकसान होता है। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ये हमें फ़ायदा दे रही है तो वाई नॉट इसको यूज़ करें, लेकिन वन थम रूल करें। वन थम रूल का मतलब ये है, वन थम रूल इज़ ऑलवेज दिस, कि अगर हम सलाजीत यूज़ कर रहे हैं तो हमने सलाजीत को ही यूज़ करना है, उस वक्त हम किसी और रेमेडी की तरफ ना जाएं। लोग रेमेडीज़ को मिक्स कर देते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में भी, बहुत ज़्यादा मिकदार, छोटे डोज से, थोड़ी डोज से स्टार्ट करें, उसका बेनिफिट देखें और एक वक्त में एक चीज़ लें। जब लोग बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी पता नहीं चलते और ये पता नहीं चलता कि किस चीज़ ने उनको रिएक्ट किया। एब्सोल्युटली, इस वक्त आप देखेंगे कि बहुत सारी नॉर्दर्न एरिया बेस्ड लोग आपको ड्रॉपर्स के अलावा मुख्तलिफ पैकेजेस में सलाजीत मिल रहा है, ये मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ यूज़ के अलावा आप वैसे भी इसको देखें कि ये स्पोर्ट्स स्टार्स, पूरी दुनिया के जो एथलीट्स हैं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गर्म होता है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, तो पानी का इस्तेमाल आपने अच्छा करना है और शुरुआत एक बहुत ही थोड़ी मिकदार से करनी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, हमारे साथ मौजूद थी रोज़ा और सेहत में, आज हमने बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्स और बातें ली।